सब्सक्राइब कीजिए ऑसम मीडिया चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पार्थ, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑसम इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सब लोगों को गुड मॉर्निंग। तो आज का वीडियो आपको पता ही है, आपने टाइटल देख लिया। जी हाँ बिल्कुल, आज मैं आपको बताऊंगा कि IGTV पे हम अपने खुद का चैनल कैसे बना सकते हैं और हम अपना वीडियो मतलब खुद का पे कैसे वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि हमारा खुद का चैनल हो और खुद के वीडियोस हो, तो वो आपको बनाने हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, IGTV ओपन करना है। हालांकि मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया ही है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो सिंबल आ रहा है वो मेरा चैनल है, ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया है। तो वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, और एक वीडियो मैंने ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैं आपको अभी दूसरा बताता हूँ कि आप सब लोगों में से सबका क्वेश्चन था कि सर ये मतलब कैसे अपलोड करें इसको और चैनल कैसे बने, क्योंकि कहीं लोग हैं डायरेक्ट ही अपलोड कर रहे हैं। तो वहाँ पे ऑप्शन आ रहा है यू कैन नॉट अपलोड डायरेक्टली बिकॉज ऑफ यू कांट मेड चैनल येट। सो आपको बनाना है तो सबसे पहले आपको मतलब यहाँ पे आप तो IGTV पे जाओगे या कोई भी वीडियो सिलेक्ट करोगे, तो उसके बाद डायरेक्ट रीडायरेक्ट तो चैनल पे हो जाएगा, मीन्स आपका IGTV के चैनल पे वहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो आपको करना ये है कि वो तो आप कर ही लोगे, बाय डिफॉल्ट आप यहाँ से भी कर सकते हो। मैं यहाँ से प्लस करके दिखाता हूँ आपको। ऑलराइट, मैं आप सबको सबसे पहली प्रोसेस से बताता हूँ, मीन्स फर्स्ट स्टेप से आप तो बताता हूँ कि कैसे आपको न्यू चैनल क्रिएट करना है और आप कैसे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। मैं मेरे वीवो बिजनेस इंस्टाग्राम अकाउंट से आपको लाइव करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो उसमें मैं आपको भी वीडियो भी शूट करूँगा, तो ये मैं स्टॉप कर दूँगा मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्ड, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले स्टेप से आपको प्रोसीजर बताता हूँ कि आपको IGTV में कैसे चैनल बनाना है, कैसे अपलोड करना है। हालांकि मैंने ऑलरेडी बना लिया है वो मेरे मोबाइल में, तो मैं आपको मेरे दूसरे डिवाइस से बता देता हूँ कि कैसे होता है, कि मीन्स सबसे पहले इंस्टॉल करने के बाद कैसे चैनल बनाना है, कैसे वीडियो बनाना है। तो मैं फर्स्ट स्टेप से आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर पे हूँ मैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले आप ओपन करोगे तो आपको ये दिखेगा, वेलकम टू IGTV, वॉच वीडियो फ्रॉम द क्रिएटर्स यू ऑलरेडी फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एंड फाइंड न्यू वीडियोस एंड क्रिएटर्स यू विल लव, ओके। तो यहाँ पे कंटिन्यूस चेकमेंट्स ऑप्शंस में कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलेगा बहुत सारे वीडियोस दिखेंगे जिससे आपको फॉलोइंग कर रहे हो उसके वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। जिसको भी आप मतलब फॉलो करते हो उसको मतलब उसके सारे वीडियोस आपको यहाँ से शो हो जाएंगे। जैसे कि मैं मेरा नाम सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए आ गया है मेरा नाम, क्योंकि आप यहाँ पे भी आपको शो हो रहा है। देखो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, अगर आप ये करते नहीं हो तो आपका नाम नहीं आएगा, बिकॉज क्योंकि आपने अभी तक चैनल क्रिएट ही नहीं किया है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है कि मैंने कर दिया है, यानी कि मेरा चैनल ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है IGTV पे और मैंने 5 मिनट का वीडियो भी डाल दिया है, थिंक बिग एंड डोंट लिसन टू पीपल। ये आपका बायोडाटा यहाँ पे शो हो जाएगा और यहाँ पे जो भी आपने डिटेल्स डाली है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं जस्ट डेमो के लिए बता रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे मैं बैक कर रहा हूँ अभी। तो बैक करने के बाद मैं आपको बताता हूँ, आपको जाना है यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पे, आपको दिख रहा होगा सेटिंग। तो यहाँ पे देखो एक क्रिएट चैनल का ऑप्शन आ रहा है,
जैसे कि YouTube में आप करते हो तो क्रिएट नाउ नो ये सब ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है और चैनल उस पर मेंशन किया है लिंक अकाउंट, अगर आपका फेसबुक से लिंक है तो यहाँ पे कर सकते हो, और दूसरे अकाउंट से करना है तो लॉग आउट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे तो सेम है, अबाउट टर्म्स एंड प्राइवेसी आप रीड कर सकते हो, और ओपन सोर्स लाइब्रेरीज भी है और हेल्प सेंटर भी है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको बताता हूँ, यहाँ पर क्रिएट चैनल पर जाता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्रिएट योर चैनल IGTV न्यू स्पेस टू बी क्रिएटिव एंड एंगेज योर ऑडियंस विथ लॉन्गर वीडियोस। ठीक है, तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे न्यू फीचर है, लॉन्गर वीडियोस डाल सकते हो, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ, शेयर लॉन्गर वीडियोस नेक्स्ट क्रिएट चैनल। तो यहाँ पे देखिए हमारा चैनल बन गया है और व्यू चैनल दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे अभी तक एक भी वीडियो मैंने डाला नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ कोई भी वीडियो, अपलोड वीडियो, तो यहाँ पे पास मेरे को एक्सेस मांगेगा कि आपके पास जो भी एक्सेस हो यहाँ से डाल दो, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा कोई भी, एक सेकंड में। तो गाइस ये मेरा वीडियो है, मैंने फाइंड कर लिया है, जो एक्चुअली iOS में एक एप्लीकेशन बन रही है जिंग, उसका करंटली हमने वीडियो कैचअप किया। तो मैं अभी डेमो के लिए फिलहाल ये वीडियो पे आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ, और ये वीडियो की लेंथ आप देख सकते हो मोर देन 1 मिनट्स की लेंथ है इसकी। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा फॉरवर्ड करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये मतलब मीन्स एप्लीकेशन मेकिंग के लिए वीडियो है, तो ये वीडियो मैं डाल देता हूँ मेरे बिजनेस अकाउंट पे। तो नेक्स्ट करता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, टाइटल डिस्क्रिप्शन एंड मेक विजिबल ऑल्सो ऑन फेसबुक पेज, क्योंकि अभी तो मैं फेसबुक पेज पे नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे दो डिवाइस पे कनेक्टेड है, तो मैं ज़्यादा करूँगा तो लोड थोड़ा बढ़ जाएगा, इसीलिए मैं अभी करूँगा यहाँ पे सिर्फ टाइटल करूँगा और डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा। टाइटल मैं अभी डाल देता हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे कीवर्ड्स की लिमिट आया है, तो मैं यहाँ पे विथ इंटरेस्टिंग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, विथ विथ न्यू फीचर्स डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये डाल दिया, या भी मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में तो आपको यहाँ पे सेम आप कॉपी कर सकते हो, तो मैं यहाँ से सबको पहले कॉपी भी कर लेता हूँ, उसके बाद नीचे भी डाल दूंगा। तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, अब मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालूंगा, डिस्क्रिप्शन में थोड़ा टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स मैंने ये डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, आप देख सकते हो मैंने ये डिस्क्रिप्शन डाला है और ये टाइटल डाला है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन तो आप रीड कर सकते हो, यहाँ पे इंट्रोड्यूसिंग न्यू फिटनेस जिम ऐप, और यहाँ पे थोड़े बहुत मैंने हैशटैग कीवर्ड डाल दी है बिकॉज ऑफ SEO एंड सर्च इंजन मीन्स सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन SEO की रैंक के लिए मैंने डाल दिया है। हालांकि मैंने टेम्पररी डाले हैं, बहुत सोच के नहीं डाले हैं, तो उस हिसाब से आप लोग आपके वीडियो के रिलेवेंट आपके टैग्स डाल लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं पोस्ट करूँगा तो 100% नहीं होगा, तब तक हमारा लाइव नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ।
तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो आपका फर्स्ट वीडियो, और यहाँ पे जो ब्रांडिंग सोशल मीडिया आपको दिख रहा है वो आपका कंपनी का मीन्स जो कंपनी का टैग कस्टमर केयर नंबर है, और यहाँ पे आपका जो बायोडाटा है वो है, जो कि मीन्स आपके प्रोफाइल पे जो आपने बनाया है वो है। और यहाँ पे जो आप दिख रहे हैं वो अभी तक आपका जो आपने अभी वीडियो डाला है इंट्रोड्यूसिंग न्यू फिटनेस जिम ऐप वाला, तो ये अभी आपका अपलोड हो रहा है, अभी तक 2% हुआ है, तो 100% हो जाने के बाद ये अपलोड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका अभी वीडियो 100% कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रोसेसिंग सारी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ से उसके बाद आपको करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करोगे जैसे आपका यहाँ पे वीडियो शो होगा, आप पूरा स्क्रीन में देख सकते हो, यहाँ पे आपको पूरा मतलब शो होगा आपका कितना व्यू है वो सब यहाँ पे आपको मिलेगा, और लाइक डिसलाइक आपको यहाँ पे मिलेगा, जैसे कि आपको कोई कौन सा वीडियो लाइक करना है, तो मैं यहाँ पे ये वीडियो लाइक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने हर्ट कर दिया तो लाइक, और कमेंट करना है तो आप यहाँ से कमेंट भी कर सकते हो आपको जो भी अच्छा लगा। यहाँ पे आपको जो भी जैसे कि मैं यहाँ पे टैग कर लिख रहा हूँ कि मैंने ऐसा एक कर दिया है कीप सपोर्टिंग करके रैंडम, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कमेंट भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा लॉन्गर्स वीडियो IGTV का है, मैंने चैनल बनाया उसके बाद ये कमेंट यहाँ पे शो होगा वीडियो में, तो कोई भी वीडियो देखेगा उसको ये कमेंट शो होगा। और यहाँ से आपको दूसरा भी मिल जाता है, जैसे कि मिल जाता है यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल जाता है, कॉपी लिंक, इनसाइट वगैरह, तो इनसाइट में भी देख लेते हैं क्या क्या है एक बार, क्योंकि जस्ट अभी अपलोड किया है तो व्यूज़ का आपको एक ही दिखेगा, 3 likes यहाँ पे देख सकते हो। अभी आपको अभी मैंने जस्ट अपलोड किया है और 3 likes भी आ गए हैं, जस्ट जस्ट अभी आपके सामने मैंने अपलोड किया है, 3 likes 1 view आ गए हैं, तो आप उसको कल देखेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारे ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, कोई फेक नहीं है, इसी के वजह से ये आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप कर सकते हो ये वाला ऑप्शन जो आप सोच रहे हो, तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा कोई भी जगह का, किसी को टैग करना या किसी को डायरेक्ट आपको भेजना है तो आपको यहाँ से वो डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को भेजना है तो मेरे को सेंड कर दो, किसी को और को भेजना है तो किसी को सेंड कर दो, मैं ये भी यहाँ पे सेंड कर देता हूँ। तो यहाँ से आपको अंडू का ऑप्शन रहा है, मीन्स कि वो अभी तक गया नहीं है, आपको वापस ला सकते हो, इनकेस आपने किसी गलत आदमी को भेज दिया तो आपको अंडू करना है तो कर सकते हैं। अभी सेंड दिखा रहा है मतलब उसको पहुंच गया है, उसकी आईडी पे वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे उसके बाद आपको डन करना है और बाकी कुछ है नहीं, यहाँ पे आपका वीडियो टाइमिंग वगैरह सब चलता होगा, वीडियो का टाइमिंग है ये, और ये हमारा जो मैंने अभी वीडियो आपको बताया था जिम एप्पल की ऐप का, तो ये आपको यहाँ पे शो होगा। और बाकी यहाँ पे ब्राउज करोगे तो यहाँ पे आपको जो भी आपके वीडियो से वो यहाँ पे लाइन में दिखेंगे, जैसे कि अभी तो हमने एक ही वीडियो डाला इसीलिए एक ही आ रहा है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे वो सारे डिटेल व्यू मिल जाएंगे और बायोडाटा वो सब भी मिल जाएगा। तो वो फ्रेंड्स बस यही सिंपल सा प्रोसेस था, मैंने आपको दिखाया दिया कि कैसे आप आपका खुद का IGTV में चैनल बना सकते हो और ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो आपकी कंटेंट की मदद से, और यहाँ से आप कैसे वीडियो अपलोड कर सकते हो और कैसे एड्स ला सकते हो। और अगर आपका वीडियो मीन्स बहुत ही अच्छा चला, ऑर्गेनिक ट्रैफिक में चला, तो आपके मीन्स आपके IGTV में मोनेटाइजेशन का भी ऑप्शन आता है, जैसे कि यूट्यूब में मोनेटाइजेशन आता है 4,000 hours वॉचिंग टाइम के और 1 hours 1,000 सब्सक्राइबर के बाद मोनेटाइजेशन रिव्यू में जाता है, तो इसमें भी सेम ऐसा ही है, इट्स माइट बी लाइक दैट। तो इसमें आपको मीन्स करना ऐसा है कि आपका जो वीडियो कंटेंट है जितने जितने वीडियो डालते जाता हो कोई भी वायरल होता है तो इसमें से मीन्स आप आसानी से अपलोड कर सकते हो, और अगर आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट हो गया तो इसमें भी आप एड्स लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स बस ये सिंपल सा प्रोसेस था, मैंने आपको बता दिया। फ्रेंड्स मैंने उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सब लोगों को, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे ये वीडियो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। We'll be right back.
We'll be right back.